वेलकम टू आवर चैनल, आई एम मंथन मलिक और मैं शेयर करूंगी आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स ऑन सेलिब्रिटी न्यूज, व्हाट्स ट्रेंडिंग और बहुत कुछ। आइए हम अपने शो का आगाज करते हैं एक अच्छी बात से। आज की डेट में फेमस होना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है अच्छी शोहरत समेटना। Nowadays we see a lot of influencers जो unnecessary और useless content को promote करते हैं। It's very important for the masses to understand कि इस तरह किसी को भी follow ना करें। Try to look for a good content that improves your well-being and adds on to your personality। और influencers को भी चाहिए कि वो इस जिम्मेदारी को समझे और एक better role play करें society में। Now let's get back to our entertainment buzz। हाल ही में HSN कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया रिजाइन क्योंकि उन्हें फोर्स किया गया एक MNA के बेटे की फीस माफ करने के लिए, जिस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स ने एहतजाज किया कि मिस्टर माइकल ए थॉम्सन को वापस लाया जाए। कुछ सेलिब्रिटीज ने भी ये मुद्दा उठाया कि नाहयात ने मिस्टर थॉम्सन की जुर्रत को सलाम दिया और दूसरी तरफ अहमद अली भट्ट ने MNA पर तंज करके कहा कि ये पाकिस्तान का कौन सा MNA है जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकता। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, कुछ उलमा ने एक लाइव रमजान ट्रांसमिशन में बताया कि अगर दो लोग मजाक में भी निकाह करें तो निकाह हो जाता है, और हमारे ड्रामों में जो एक्टर और एक्ट्रेसेस का निकाह होता है वो असल में हो जाता है। इस पर काफी लोगों ने अपनी राय दी। नादिया हुसैन ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है जब दो लोगों के नाम और पहचान मुख्तलिफ है। उशना शाह ने कहा कि उनको अपने हस्बैंड के साथ एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। उमर आलम ने कहा कि इस लिहाज से उनकी 3 शादियां हो चुकी हैं और 4th की गुंजाइश है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्टोरी, जिसमें हम बात करेंगे अली जफर के बारे में। अली जफर शेयर्ड अ डिस्टर्बिंग वीडियो हाइलाइटिंग द इशू ऑफ चाइल्ड अब्यूज। उन्होंने स्कूल्स और मदरसास में कैमरास लगाने की बात की ताकि इस तरह के वाकयात ना हो। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के बच्चे हमारा फ्यूचर है और उनका तहफ्फुज़ हमें यकीनी बनाना चाहिए। द नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज माहिरा खान। माहिरा खान स्पिल्ड सम फैक्ट्स। शी वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिफाइड दैट हर हस्बैंड इज नॉट 66 और अ टाइफून, बट उन्होंने कहा कि कभी ना कभी ये हो भी सकता है। माहिरा ने अपनी मैजिकल वेडिंग फोटो का राज फाश कर दिया और बताया कि किस तरह बार बार लाइट जा रही थी और उन्होंने एक परफेक्ट शॉट क्लिक करवाया। उन्होंने अपने ड्रेस चॉइसेस को भी लेके बात की थी। द ड्रीमी पेशवास इन हमसफर केम टू लाइफ अगेन इन जालिमा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, गेट रेडी फॉर अ सिनेमैटिक ट्रीट एज 3 ऑफ द मोस्ट पाकिस्तान्स मोस्ट टैलेंटेड एंड बिलव्ड स्टार्स महविश हयात, अली रहमान खान एंड मोमिन साकिब आर सेट टू शेयर द स्क्रीन इन मुजाहद राउफ अपकमिंग फिल्म दगाबाज दिल। द मूवी विल बी रिलीज दिस ईद। मूवी का ट्रेलर काफी दिलचस्प लग रहा है अपने पावरफुल कैरेक्टर्स और लाइट हार्टेड स्टोरी के साथ। हम आपके साथ और भी मूवी अपडेट शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। मूव टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, एक सऊदी मॉडल सितंबर में मेक्सिको में होने वाले सालाना मुकाबले हुसन में अपने मिस यूनिवर्स के डेब्यू में सऊदी अरब की नुमाइंदगी करेंगी। सऊदी अरब हैज चेंज्ड इट्स पॉलिसीज फॉर वुमेन एंड इज एक्सेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। द पीपल डिडंट लाइक द फैक्ट दैट द मॉडल वॉज वेयरिंग रिवीलिंग ड्रेस व्हाइल शी वॉज होल्डिंग द फ्लैग विद कलमा रिटन ऑन इट। द नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज शाहिद अफरीदी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर तहरीक चलाई कि शाहिद अफरीदी के ब्रांड्स को बॉयकॉट किया जाए, जिस पर शाहिद अफरीदी ने एक स्टेटमेंट इशू करवाई कि इन सब ब्रांड्स का रेवेन्यू फ्लाई कामों में इस्तेमाल होता है और इन ब्रांड्स को बॉयकॉट करने से उन लोगों का नुकसान होगा जो मुस्तहिक हैं। बाकी उन्होंने कहा कि वो फिर भी लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे और अल्लाह उनका मददगार है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।